ये है खजूर, ये है अदरक, ये है आमचूर का पाउडर इसको खट्टा करने के लिए, ये 250 ग्राम गुड़ है, मैं एक चम्मच देसी का यूज करूंगा क्योंकि थोड़ा सा अदरक को मुझे सौते करना है इसके लिए, ये है कचरी पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, सफेद नमक, जीरा पाउडर और गरम मसाला, वाटर एज यू रिक्वायर्ड, जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए होगा उतना हम पानी का यूज करेंगे। इसलिए डालूंगा क्योंकि मुझे अदरक को थोड़ा सा सौते करना है। देखिए पानी को बॉईल आ चुका है, अब मैं सबसे पहले इसके अंदर डालूंगा ये बीज निकाला हुआ खजूर। अब अभी इसको कम से कम 10 से 12 मिनट इसको बॉईल करेंगे। ये अभी हमारा जो खजूर है बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है, 10 से 12 मिनट के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा। अब इस तेल में मैं डालूंगा स्पाइसेस, सबसे पहले डालूंगा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा जीरा पाउडर और मैं इसको अच्छी तरह से पहले मिला लूंगा। और अब इसके अंदर जाएंगे कावरी के लिए, यानी कि खटास के लिए, इसका मैं इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ सबसे पहले कचरी का, साथ ही में थोड़ा सा आमचूर पाउडर, जो चटनी है तो थोड़ा सा स्पाइसीनेस भी होना चाहिए इसके लिए ग्रेवी, और इसको मैं अच्छी तरह मिला लूंगा। देखिए क्या कलर आया है चटनी का, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा है, साबुत है, आप थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे थोड़ा फ्लेविंग के लिए। और लास्ट में एक चम्मच सॉफ्ट अदरक का पाउडर और थोड़ा सा हरा मसाला। देखिए हमारी जो खजूर की चटनी है वो अब तैयार है सर्व होने के लिए। हम अपने खजूर की चटनी को सर्व करते हैं, आप इसको किसी भी पराठे के साथ या पूरी के साथ आप खा सकते हैं, पसंद आई हो घर में जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छा खजूर है, बहुत अच्छे टेस्ट है, और क्योंकि मैंने भी इसका यूज किया है बीइंग अ शेफ स्ट्रॉन्गली रिकमेंडिंग दिस पहली